हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर व एसपी को दिया ज्ञापन। पेट्रोल डीजल के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर व एसपी को दिया ज्ञापन। पेट्रोल डीलरों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की तुलना में 30 से 35 कम रेट का केमिकल को बेच रहे अवैध कारोबारी, जिससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पेट्रोल डीलरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाड़मेर जिले के अनेकों जगह पर गुजरात से लाया जा रहा विभिन्न प्रकार के वाहनों एवं ट्रैक्टरों इत्यादि से लाखों लीटर प्रतिदिन अवैध बायोडीजल, इंडस्ट्रीज केमिकल, बेस ऑयल के नाम से बिक्री किया जा रहा है। अवैध बायोडीजल केमिकल पर सिर्फ जीएसटी टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोल एवं डीजल पर वेट एवं एक्साइज लग रहा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पहुँचे बाड़मेर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्यवाही करने की मांग की। कलेक्टर लोक बधु से मिलकर बताया प्रति माह 400 से 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, जल्दी कार्यवाही करने की मांग की। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा इन्होंने ये कहा। देखिए, ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से था जो बायोडीजल गुजरात से ला करके बेचा जा रहा है, उसको लेके हम निरंतर इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पिछले एक महीने में ही 5 कार्रवाई हुई, और ज़्यादा कार्रवाइयाँ करेंगे। और हमने ये भी इनसे निवेदन किया कि आप भी प्रचार प्रसार करें, इसके जो नुकसान होता है गाड़ी पे उसके बारे में लोगों को बताएं। खाद्य आपूर्ति विभाग से भी हम जॉइंटली ऑपरेशंस करेंगे और इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। सर, पुलिस विभाग है वो लगातार सक्रिय है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, उनको मजबूरन ज्ञापन देना पड़ रहा है, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी वही वाली बात है, कॉस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो लोगों को इजी प्रॉफिट लग रहा है। जैसे लोगों को पता लगेगा कि इससे गाड़ी वगैरह का डैमेज होता है, वैसे मुझे लगता है अपने आप इसकी डिमांड भी कम होगी और इसको हम रोक पाएंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरारा मेघावल की रिपोर्ट।